Ladies and gentlemen, we now head towards the live practice of the Commonio Protocol. Now, I request Dr. Kashinath Sangani, Director Morarji Desai National Institute. नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा ये खास कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर। जैसा कि आपको पता, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन आपने सुना, जिसका इंतजार आप सभी को था। कश्मीर में इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं और प्रधानमंत्री अब योग कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं कश्मीर से ये सीधी तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हालांकि डल लेक के किनारे ये कार्यक्रम होना था, लेकिन क्योंकि बारिश वहां पर लगातार हो रही है, जिस वजह से इस कार्यक्रम में थोड़े बदलाव किए गए, थोड़े चेंजेस किए गए। और अब आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जहां पर वैकल्पिक व्यवस्था की गई मौसम की वजह से। अब वहां पर थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री ने संबोधित करते हुए देश को मैसेज दिया, लेकिन अब योग कर रहे हैं। योग साधना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप इस वक्त देख रहे हैं। तस्वीरें कश्मीर से सीधी आ रही हैं। अच्छा, थोड़ी देर में आपको वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, योग करते हुए तस्वीरें इस वक्त एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर, जिन्होंने, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन में अपने कहा कि योग साधना की भूमि है जम्मू कश्मीर। योग दिवस पर उन्होंने कहा कि हर साल रिकॉर्ड बनता है, हर साल एक नया रिकॉर्ड हम देखते हैं। 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का ये मौका है। योग की यात्रा इसी तरीके से अनवरत जारी रहेगी। दुनिया में योग का चलन बढ़ा और इसके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो कोशिश रही, वो मुहिम रही, जो उन्होंने आज से 10 साल पहले शुरू की थी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरीके से उसे एक पहचान दिलवाई, अब उसका असर आप देख सकते हैं कि कैसे योग लगातार लोगों के जीवन में अपनी पहचान बना रहा है। जिसे जिस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये हमारे देश की संस्कृति, ये परंपरा जो दुनिया को पता लगनी चाहिए। और आज ऐसी तस्वीरें हम देखते भी हैं कि भारत के साथ साथ पूरे दुनिया भर से कैसी तस्वीरें सामने आती हैं। अब प्रधानमंत्री अपने संबोधन के बाद योग भी कर रहे हैं, कई योगासन करते हुए तस्वीरें उनके इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। एक बार फिर लिए चलते हैं मनोज्ञा के पास, ग्राउंड जीरो पर हैं, कश्मीर से ही हमारे साथ जुड़ी हुई हैं मनोज्ञा। हालांकि डल लेक के किनारे वो सुखद तस्वीरें तो हम नहीं देख पाए, लेकिन हाँ, मैसेज जरूर प्रधानमंत्री ने दिया कि ये यात्रा है और योग की ये यात्रा इसी तरह अनवरत जारी रहेगी। और योगासन करते हुए तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री की। देखिए, मैं आपको तीन बातें बता दूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आज संबोधन में दो तीन बातें बहुत बड़ी कही कि पहला कि योग न सिर्फ आकर्षण है बल्कि इस समय अनवरत एक यात्रा पर हम जारी हैं। और उसके साथ ये भी साफ कहा कि टूरिज्म का केंद्र बनता चला जा रहा है और उससे जीवन शैली और जीवन कई लोगों के बेहतर हो गए और उनके फॉलोअर्स की संख्या बढ़ चुकी है। ये बात सत्य है क्योंकि आप जब पहले इकोनॉमी को भी देखें या फिर आप सामान्य तौर पर योगा सेंटर्स देखें, अगर आप अपने शहरों में, तो पहले जिसकी संख्या अगर 100 के करीब हुआ करती थी तो उसकी संख्या 1000 से ज्यादा हो गई है और लगभग हर योगा सेंटर में आपको उसी तरह से उत्सुक लोगों की भीड़ मिल जाएगी जो सीखना चाहते हैं और अपने जीवन को बेहतर करना चाहते हैं। पहले 10 वर्ष पहले या 15 वर्ष पहले आपको जितनी भीड़ पार्क में मिलती थी योग करते हुए लोगों की, वो अब कई गुना ज्यादा हो गई है। ये सामान्य जीवन शैली का अंतर है। ये बात सच है कि इसमें योगदान और प्रयासों की एक बहुत बड़ी भूमिका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार और उसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग को जो मान्यता मिली है उसकी रहती है। पर अपने ही इतिहास को वर्तमान में एक बेहतर भविष्य के लिए उपयोग करना, इसके लिए योग ने अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल कायम कर दी है। और आज मैं जिस जम्मू कश्मीर में खड़ी हूँ, वहां पर कई गतिविधियों की, आतंकवादी गतिविधियों में जिस तरह की कमी आई है, तो उसके अलावा इस समय जो खूबसूरती आप देख रहे हैं, यहाँ घूमने वालों की संख्या सिर्फ टूरिज्म के तौर पर नहीं है बल्कि सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्थाओं के कारण भी है। और आज ये तस्वीर पूरे विश्व में जाने से बहुत बड़ा संदेश चला जाता है। देखिए, मैं 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और अब 24 में है। इतने लंबे समय में ऐसा नहीं है कि योग एक वर्ष के लिए भी रुका हो। और आज 21 जून है, 21 जून को सबसे लंबा दिन माना जाता है। जैसे ही उत्तरायण से दक्षिणायण में जाता है सूर्य, उसके साथ ये भी तय हो जाता है कि आज सबसे लंबा दिन
लंबे दिन के साथ होने के साथ साथ एक बहुत लंबा और बहुत बड़ा संदेश भी दे दिया जाता है। ये बात सिर्फ इतनी से नहीं है कि यहाँ पर आकर आपने योग किया, बल्कि यहाँ पर आके आपने उन लोगों के साथ योग किया जो एक समय पर एक अलग तरह की जिंदगी बिता रहे थे और अब यही लोग एक बेहतर जिंदगी की ओर बढ़ रहे हैं। कश्मीर को जो मैं बार बार कह रही हूँ, जो मुकुट कहा जाता है, जो हमारी देश की खूबसूरती है, जो हमारे देश में आप जन्नत कह लीजिए, यदि स्वर्ग है कहीं पर तो यही है और यही है। तो इस स्वर्ग में इस तरह से दल झील के किनारे जो योग का कार्यक्रम होना था, जो लगातार हो रही बारिश के कारण उसे इंडोर करना पड़ गया, लेकिन उसके साथ न उत्साह में कोई कमी, न ही कोई लोगों में इसके उत्साह में कोई कमी या फिर संबोधन में किसी तरह का बदलाव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फिर एक बार योग को स्वयं और समाज के साथ इस वर्ष के लिए समर्पित किया है। बिल्कुल सही कहा आपने मनोज्ञा, ये मैसेज देते हुई तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, हालांकि वो तस्वीर और बड़ी होती अगर वो डल लेक के किनारे ये कार्यक्रम हो पाता, लेकिन जिस तरह से ऐसा हो नहीं सका और अब इंडोर ये कार्यक्रम हो रहा है, तस्वीरें दर्शकों को हम लगातार दिखा रहे हैं, अलग अलग आसन। हालांकि प्रधानमंत्री पहले भी इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि योग उनके जीवन में क्या स्थान रखता है, वो कब से योगासन करते आए हैं और उन्होंने ये देश को समझाने की कोशिश लगातार की कि कैसे योग के साथ अपने जीवन को सरल और आसान बनाया जा सकता है। और सिर्फ देश नहीं बल्कि दुनिया को यही मैसेज देने की कोशिश प्रधानमंत्री ने की है। मनोज्ञा, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, क्योंकि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिश का ही नतीजा है कि आज हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग दिवस को सेलिब्रेट कर रहे हैं। पिछले 10 सालों से जिस तरीके से लगातार बढ़ा है, तस्वीरें अद्भुत आती रही हैं, नए नए रिकॉर्ड बनते रहे हैं और इन सबका श्रेय अगर प्रधानमंत्री को दिया जाए तो गलत नहीं होगा, इसमें कोई दो राय नहीं होगी। मनोज्ञा, आपको आवाज मिल रही है? जी, एक बार आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है क्या? कर सके तो मनोज्ञा, बिल्कुल, मैं ये कह रही थी कि हमने इस महत्व को देखा इन तस्वीरों के माध्यम से कि प्रधानमंत्री के लिए योग किया है। पिछले बीते 10 सालों में उन्होंने इस बात का जिक्र कई बार किया और अगर आज हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग दिवस को सेलिब्रेट कर रहे हैं तो इसका श्रेय कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही जाता है, उनकी कोशिश को ही जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि उनकी कोशिश का ही नतीजा है कि आज देश नहीं बल्कि हमारी इस परंपरा को दुनिया मान रही है। बिल्कुल शरीन, मैं आपको बता दूं 2014 के पहले भी तो योग था, जो जीवन शैली 5000 वर्षों पुरानी है, तो ऐसा तो है नहीं कि उसको कोई लेकर आया है या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद लेकर आए हैं। लेकिन अगर आप इसके रीइंस्टेटिंग, रिवाइवल और उसके फिर से एक बार पूरी तरह से रिफर्बिशिंग एंड प्रेजेंटिंग टू द वर्ल्ड की बात करें तो ये पूरा श्रेय केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाएगा। 2014 में सबसे पहले इसकी कवायद की गई कि इसको अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दिलाई जाए। अंतर्राष्ट्रीय मान्यता में करीब 150 से ज्यादा देशों ने एक साथ ताली बजाकर समर्थन किया, जो अपने आप में भारत के लिए बहुत बड़ी बात थी। कल्पना कीजिए, भारत अपनी बात रखने में कई बार हिचकिचा जाता था, लेकिन योग के साथ अंतर्राष्ट्रीय दिवस बनाने की एक तारीख दी गई और 21 जून को तय किया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। ये भारत की मान्यता है, ये भारत की उपलब्धि है। भारत की उपलब्धि इसलिए है क्योंकि जो बात 5000 वर्षों से अस्तित्व में थी उसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यूनाइटेड नेशंस में इस स्तर की मान्यता पहले कभी नहीं दी गई। सरकारें आई, सरकारें गई, ये पहले भी हो सकता था लेकिन हुआ नहीं। अब जब हुआ है तो कभी पलट कर नहीं देखा है। इसको एक सरकारी कार्यक्रम बनाकर खत्म किया जा सकता था, लेकिन हर वर्ष एक संदेश के साथ इसे हर वर्ष किया जाता है। कभी योगा फॉर ह्यूमैनिटी है, योगा फॉर पीस है, योगा फॉर सेल्फ है, योगा फॉर हार्ट है। एक एक बॉडी पार्ट के लिए आप सोचिए, दिल की बीमारियां बढ़ने लगी
रक्त और योगा फॉर हार्ट किया गया। ऐसा नहीं है कि इसमें युवा नहीं जुड़ रहे हैं या फिर एक सिर्फ सीनियर सिटीजन के लिए योग किया जाता है, जबकि अब तो उल्टा हो रहा है। ये बात दीगर है कि आपको कई युवा योगा मैट लेकर ट्रैकिंग करते दिख जाएंगे। पहले अगर दिखते थे तो अब उससे कई गुना ज्यादा दिखने लगे हैं, और ये अपने आप में अपने आप को बेहतर करने के लिए ये बहुत बड़ी बात है। हर व्यक्ति के अंदर सामर्थ्य नहीं होता है कि वो अच्छे जिम में जाकर अपनी हेल्थ और अपनी सेहत सुधार सके, लेकिन योग के लिए आप तो किसी सरकारी पार्क में जाकर भी अगर आप योग करेंगे तो वो भी आपके जीवन को बेहतर करेगा। और अगर आप नहीं जा सकते हैं तो घर पर बैठकर भी प्राणायाम करेंगे तो और कुछ हो ना हो आपकी इम्यूनिटी और ऑक्सीजन सप्लाई तो शरीर की बेहतर हो ही जाती है। तो ये एक ऐसा फ्री ऑफ कॉस्ट जीवन शैली बेहतर करने का प्रयास, कोई नुकसान नहीं लेकिन फायदे अनेक, और यही है योग। और इसी बात का जो एक मैसेज प्रधानमंत्री ने बीते 10 सालों में पहुंचाया, वही आज भी जारी है। तस्वीरों के माध्यम से लगातार हम दर्शकों को दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योग करते हुए, अलग अलग आसन करते हुए योग की तस्वीरें इस वक्त हमारे सामने हैं। अच्छा, मनोज्ञा के साथ साथ कश्मीर से ही आसिफ कुरैशी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आसिफ, प्रधानमंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर योग साधना की भूमि, और आज अगर इस बदलते कश्मीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर मौजूद हैं और वहां जाकर पूरी दुनिया को ये मैसेज दे रहे हैं कि योग क्यों है जरूरी, इसके मायने क्या हो जाते हैं, उनके इस संदेश के मायने क्या आप समझ रहे हैं? शीरिन, देखिए, दो मेरे सामने जो दो मुद्दे हैं वो इसमें से एक ये कि कश्मीर के बारे में जो धारणाएं पूरे देश दुनिया में फैली हुई है कि ये एक सुरक्षित जगह नहीं है, प्रधानमंत्री यहाँ पे आके योग के माध्यम से देश दुनिया को ये संदेश दे रहे हैं कि ये एक सुरक्षित जगह है जो आध्यात्म के तौर पर अगर देखें तो काफ़ी उसके साथ जुड़ी हुई है। ऋषियों मुनियों की धरती माना गया है कश्मीर को, सूफी संतों की धरती माना गया है, और जो आध्यात्म है उसके साथ इसका जुड़ाव बहुत पुराना है। और साथ ही एक दूसरा जो मैसेज यहाँ से जा रहा है प्रधानमंत्री के इस दौरे से, वो कल उनके संबोधन से ही साफ हो गया था, जिसमें एक राजनीतिक मैसेज था जो कि देश दुनिया के साथ साथ कश्मीर के लोगों के लिए आने वाले दिनों के लिए, आने वाले महीनों, आने वाले सालों की धारणा को देते हुए था कि लोग चुनाव में शामिल होंगे, राज्य का दर्जा मिलेगा, फिर वो सामान्य स्थिति हो जाएगी, और जो कश्मीर की में विकास की बात हो रही थी 2019 के बाद जो धारा 377 हटने के बाद, उसको आगे ले जाने के यानी उसका सेकंड स्टेज आने का समय हो गया है। कुल मिला के देखें तो योग दिवस एक बहाना था इन दो मैसेज को देश दुनिया और ख़ासतौर पर कश्मीर से कश्मीर के लोगों को संबोधित करने का, कश्मीर से जिस तरीके से योगा के माध्यम से इसको जोड़ने की कोशिश हुई थी। लेकिन ये सबको पता चल गया कि आज सुबह मौसम ने इसमें थोड़ा सा विघ्न डाला। जो कार्यक्रम भव्य होना था डल लेक के किनारे SKICC के लॉन्स में, जबरवन पहाड़ियों के दामन में होना था, लेकिन वो मौसम के कारण नहीं हुआ। लेकिन जो मैसेज हैं वो लगातार प्रधानमंत्री के संबोधन से आज भी उसी तरीके से आगे बढ़ा, जिसमें उन्होंने अध्यात्म को कश्मीर के साथ जोड़कर एक मैसेज देने की कोशिश की और ख़ासतौर पर युवाओं का आह्वान किया है कि वो किस तरीके से इससे जुड़कर देश दुनिया और कश्मीर का विकास आगे कर सकते हैं। हम इस समय लाल चौक में खड़े हैं और यहाँ पे बड़ी संख्या में वो लोग जो विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए आए थे, आप देख सकते हैं सफ़ेद कपड़े पहने हुए, ये वो सरकारी कर्मचारी हो या फिर जो स्पोर्ट्स से जुड़े हुए लोग हो या आम लोग हो, जो विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए यहाँ पे आए थे, लेकिन कार्यक्रम स्थगित हुआ, निराश होकर वापस जा रहे हैं, क्योंकि जिस मंशा के साथ ये लोग पिछले एक हफ्ते से तैयारी कर रहे थे कि योग के इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर कार्यक्रम में शामिल होना था, जिसकी अगुवाई खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कश्मीर से कर रहे थे, वो नहीं हो पाया, इससे थोड़ी सी निराशा थी। लेकिन जो मैसेज कुल मिला के इस योग दिवस के जरिए दिया जाना था वो मैसेज यहाँ से गया है। प्रधानमंत्री ने इस दिवस को लेके जो इस उपलक्ष्य में जो भाषण दिया तो वो उन्होंने दे दिया, लेकिन निराशा लोगों में ये रही कि वो इस कार्यक्रम में उस भव्य तरीके से शामिल नहीं हो पाए जिस बात के वो इरादा करके इस दिवस में शामिल होने के लिए। खासतौर पे मैं बता दूं कि दूर दराज के इलाकों, तकरीबन 200 किलोमीटर दूरी से उरी बांडीपुरा के दूर दराज के इलाकों से लोग श्रीनगर पहुंचे थे रात 1 बजे, 2 बजे और 3 बजे यहां पहुंचकर सुबह 6:30 बजे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। लेकिन मौसम एक बड़ा विघ्न डाल गया, भारी बारिशें हुई, हालांकि इस समय बारिश रुक चुकी है, लेकिन जो कार्यक्रम के समय में भारी बारिश हुई उससे थोड़ी सी निराशा लोगों को ज़रूर हुई।
श्री बिल्कुल सही कहा आसिफ आपने, लोगों में थोड़ी निराशा जरूर है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच रहकर वो योग करेंगे, डल लेक के किनारे योग करेंगे, तो जाहिर है कि वो एक अनुभव बहुत अद्भुत होता। लेकिन क्योंकि मौसम के आगे यहाँ पर कुछ चल नहीं पाया, बारिश की वजह से इस कार्यक्रम को दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ा। एसकेसीसी सेंटर में इस वक्त मौजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगासन लगातार वहाँ से कर रहे हैं। उन्होंने वो मैसेज भी दिया जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा था। और इसी के साथ देखिए ये तस्वीरें क्यों खास हो जाती हैं, ये इसीलिए खास हो जाती हैं कि कश्मीर से यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर योग करना क्या मैसेज देता है ये आप समझ सकते हैं। कश्मीर, जिस कश्मीर को लेकर एक धारणा बनी हुई थी, लेकिन अब वो कश्मीर लगातार बदल रहा है। अशांत कश्मीर अब शांति के रास्ते पर, लगातार विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। और उसी बदलते हुए कश्मीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के योगासन करती हुई ये तस्वीरें खास हो जाती हैं मनोज्ञा। और वाकई इसका असर, क्योंकि ये कोई आज तक ही ये तस्वीरें सीमित नहीं रह जाएंगी। प्रधानमंत्री अगर आज कश्मीर में है, उन्होंने कश्मीर के डल लेक के किनारे को चुना था योग करने के लिए, वो मैसेज पहुंचाने के लिए देश और दुनिया तक, तो ये खास हो जाती है। और इन तस्वीरों का असर आने वाले कुछ सालों में किस तरह से पड़ेगा, आप कैसे हमारे दर्शकों को समझाएंगे मनोज्ञा? देखिए मैं आपको इसमें विश्व की राजनीति की बात बताती हूँ। अगर आप कश्मीर में कोई भी कार्यक्रम करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो देश के प्रधानमंत्री हैं जो 10 साल में सबसे ज्यादा दौरा जम्मू कश्मीर का किए हैं, ये इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है। इसके साथ इनका पहला दौरा इस साल था, लेकिन वो पोलिटिकल कैंपेन के लिए था, हालांकि ये दूसरा दौरा है। चुनाव जीतने के बाद भी अगर आप देखें तो वाराणसी के बाद अगर कोई पहला महत्वपूर्ण दौरा कहीं हुआ है इस तरह के इतने भव्य कार्यक्रम के लिए, तो वो कश्मीर है। कश्मीर एक ऐसा मुद्दा रहा है जिसे सरकारें हाथ लगाना नहीं चाहती हैं जल्दी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे अगर फेस ऑफ के तौर पर लिया है तो उसे पूरी तरह से अंजाम तक पहुंचाया भी है। बात सिर्फ धारा 370 हटा देने की नहीं है, बल्कि बात उसके बाद भी भारत की छवि और कश्मीर की छवि और कश्मीर की राजनीति और कश्मीर की अर्थनीति दोनों को और सबको एक साथ सुधार कर विश्व के मापदंड पर सही रखने की भी है। ये बात सही है कि कश्मीर में कुछ भी होता है तो उसका सबसे ज्यादा हल्ला भारत से ज्यादा विदेश में होता है और उसके कारण सबको ज्ञात है। आप भले ही पड़ोसी देश से आतंक भेजने की बात कर लें या फिर बाकी सारे चाइना या फिर पाकिस्तान और इन सब की बात कर लें, लेकिन ये एक ऐसा संदेश है कि जब आप कश्मीर में स्वयं और समाज के लिए गौर करिए कि ये सिर्फ शांति के लिए नहीं है, ये स्वयं और समाज के लिए है, तो जब आप स्वयं और समाज का उत्थान करेंगे तो जाहिर सी तौर पर पूरे देश का उत्थान हो जाएगा, पूरे विश्व का उत्थान हो जाएगा। ये वो भूमि है जहां जगतगुरु शंकराचार्य जी की प्रतिमा है, मंदिर है, और शंकराचार्य जी का आज भी यहां पर पूजन अर्चन होता है। तो बात सिर्फ भूमि पूजन की नहीं है, बात एक पूरे वर्चस्व की है जिसे कायम ही नहीं रखा जा रहा है, जिसे और बेहतर किया जा रहा है। जहां पर पत्थरबाजी होती हो, कल्पना कीजिए, जहां पर बच्चों के हाथों में पत्थर हो, आज वही बच्चे यहां पर प्राणायाम, योगासन, भुजंगासन और उसके साथ साथ बाकी सारे आसन कर रहे हैं। तो ये अपने आप में संदेश है, अगर कोई भी व्यक्ति एक बार योग करता है तो वो कुछ तो बेहतर होता ही चला जाता है। और योग को जो कहते हैं ना, वो सिर्फ ये नहीं है कि आप फिजिकल एक्सरसाइज करें, बल्कि मन और शरीर दोनों के संयम को योग कहते हैं, और इस दोनों के सामंजस्य को बरकरार रखना आसान नहीं होता है। जब आप डिसिप्लिन पर आ जाते हैं तो एक पूरी की पूरी पीढ़ी बदल जाती है। ये एक दिन का काम नहीं है, लेकिन 10 वर्षों में जो इसने अपने आप में चेंजेस देखे हैं और जो परिवर्तन आया है, जो कार्य दिल्ली से शुरू हुआ था वो आज कश्मीर में है, लेकिन इसका रास्ता सिर्फ दिल्ली से कश्मीर नहीं आया है, इसका रास्ता रांची होते हुए बैंगलोर और बाकी सारे स्थानों को होते हुए न्यूयॉर्क होते हुए 2023 में कश्मीर पहुंचा है। तो आप कल्पना कीजिए कि 150 से ज्यादा देशों में अगर आज के दिन को मान्यता के साथ मनाया जा रहा है, जहां पर सामान्य जनता उसमें शामिल हो रही है, तो ये संदेश सिर्फ ये नहीं बता रहा है कि योग को सबने अपना लिया है, बल्कि योग सबके जीवन का और सबकी जीवन शैली का एक अभिन्न अंग बन चुका है। जी बिल्कुल सही कहा आपने, और तन को तंदुरुस्त रखना, मन को संतुलित रखना और जीवन में एक डिसिप्लिन लाना, यही योग हमें सिखाता है। और यही मैसेज प्रधानमंत्री भी हर बार देते हैं कि कैसे उन्होंने अपने जीवन में योग को शामिल करके अपना जीवन जो है अब उसे नए तरीके से जिया है, और वो चाहते हैं कि देशवासियों को भी यही बात समझ आए।
कश्मीर में क्योंकि प्रधानमंत्री योग कर रहे हैं तो अपने आप में ये खास हो जाता है। आसिफ आपके पास आते हैं और ये सवाल आपसे समझते हैं कि हमेशा प्रधानमंत्री ने कश्मीर के युवाओं की बात की, उनकी तरक्की की बात की, उनके भविष्य की बात की। आज अगर प्रधानमंत्री कश्मीर में रहकर योग साधना कर रहे हैं, योगासन कर रहे हैं, युवाओं के प्रति इसे लेकर आपने अगर लोगों से बातचीत भी की हो, किस तरीके का मैसेज निकला और ये तस्वीरें युवाओं को किस तरह से प्रेरित करेंगी कश्मीर में? शीरिन देखिए, अगर पिछले 5 सालों की बात करें, 5 अगस्त 2019 के बाद जो सबसे प्राथमिकता रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, वो कश्मीर के युवाओं को लेकर रही है। जो भी कार्यक्रम बने हैं, जो भी जो आगे कार्यक्रम रखे गए हैं, जो सरकार के कार्यक्रम हैं, उसमें युवा प्राथमिकता पे रहे हैं और कहीं ना कहीं कश्मीर का भविष्य युवाओं के नज़रिए से देखने की कोशिश हो रही है और इसी को आगे बढ़ाने की कोशिश हुई है। इसको अगर पीछे घुमा के देखें तो सबसे पहले जो प्राथमिकता गई थी वो खेल जगत को लेकर थी। कश्मीर में बड़े संख्या में खेल को प्रोत्साहित करने की कोशिश की गई। तकरीबन 5 लाख युवाओं को विभिन्न खेल प्रतिस्पर्धाओं के साथ जोड़कर उनको आगे बढ़ाया गया। उसके बाद जो शिक्षा नीति है उसको आगे बढ़ाया गया। अभी जिस तरीके से बड़ी संख्या में कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस, आईआईटी, आईआईएम्स को खोलने की बात हो रही है, उसमें प्राथमिकता युवा ही रहे हैं। और अब जब अगर एक बार फिर से जब विधानसभा चुनाव होंगे या पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा, उसमें भी जो प्राथमिकता रही है वो युवाओं को ही आगे करने की रही है और ठीक उसी मैसेज को आगे करने की कोशिश हो रही है। नया कश्मीर युवाओं के साथ होगा, उसको आगे लेकर एक अल्टरनेटिव तैयार किया गया है। एक नैरेटिव जो बना हुआ था उसको आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है और खास तौर पर प्राथमिकता युवा ही रहे हैं। कुल मिला के देखें तो इन कार्यक्रमों में, चाहे आज योग का ही कार्यक्रम देखें, तो इसमें जो बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए वो वही युवा थे जो विभिन्न क्षेत्रों में जुड़े हुए हैं, चाहे वो खेल हो, शिक्षा हो या फिर अन्य जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें युवा काफ़ी ज़्यादा संख्या में आगे आ रहे हैं। युवा आगे बढ़कर हर चीज़ में शामिल हो रहे हैं और यहाँ तक कि राजनीति में भी अगर आप कश्मीर में आप देखें तो बड़ी संख्या में युवा राजनीति में जुटकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, एक नया नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी नया कश्मीर युवाओं के साथ, अगर इस तरीके का नारा दिया जाए तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। और जो मैसेज आज यहाँ से गया है वो युवाओं के प्रति ही था और युवा जो बड़ी संख्या में यहाँ पहुँचे थे उनके दिल में भी यही था कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वो योग करेंगे, भले ही उसमें थोड़ा सा विघ्न मौसम ने डाला हो, लेकिन जो मैसेज जाना था वो बिल्कुल सही उसी तरीके से गया है जिस तरीके से मंशा थी। और जो सबसे अच्छी बात इस दौरे से सामने आई है कि कई राजनीतिक दलों की तरफ से ये शंकाएं जताई गई थी लोकसभा चुनाव के बाद कि हो सकता है कि कश्मीर में जिस तरीके से हिंसा बढ़ी है पिछले कुछ दिनों में, जम्मू में 4 जगह पे हमले हुए हैं, कश्मीर घाटी में भी बहुत ज़्यादा एनकाउंटर्स हुए हैं, तो उसका असर हो सकता है कि विधानसभा चुनाव पे पड़े, जो सितंबर की डेडलाइन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दी गई है जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने की, वो शायद टल जाए। लेकिन कल जिस तरीके का संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कश्मीर से दिया कि आने वाले कुछ ही समय में जम्मू कश्मीर के लोग अपने जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको चुनेंगे, यानी साफ संकेत है कि असेंबली इलेक्शंस का बिगुल बज जाएगा और आने वाले कुछ महीनों में ही यहां पे चुनाव होंगे, अपनी जो है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होगी और उसके बाद जो पूर्ण राज्य का दर्जा वो भी मिलेगा और विकास की जो धारा कश्मीर की तरफ बहने लगी है, जम्मू कश्मीर को विकास के पथ पे जो आगे ले जाने का काम है वो स्थानीय प्रशासन भी करेगा, इस तरीके के संकेत दिए गए हैं। और खास तौर पर अगर देखें तो इसमें जो रोल बनता है वो युवाओं का ही बनता है कि युवा किस बड़ी संख्या में आकर इस प्रक्रिया में शामिल होंगे वो आगे देखने को मिलेगा। और कहीं ना कहीं इसी संदेश को यहां से एक मैसेज के तौर पर देने की भी कोशिश प्रधानमंत्री की थी, भले ही इसके लिए योग दिवस का दिन चुना गया, योग दिवस का संदेश दिया गया, लेकिन जो राजनीतिक मैसेज यहां से गया है वो इससे काफी बड़ा है। शीरिन,
बिल्कुल सही आपने कहा, ये जो राजनीतिक मैसेज है वो काफी बड़ा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सुखद कश्मीर की जो बात कही थी, जिनके लिए एक बड़ा मुद्दा कश्मीर को शांत बनाना, कश्मीर को विकसित बनाना, उससे उस मुख्य धारा से जोड़ना जो कभी कटा रहता था, कभी जब कश्मीर को एक अलग नजरिए से देखा जाता था, तो चाहे वो नजरिया बदलने की बात हो, कश्मीर में उस शांत माहौल को कैसे बनाया जाए उसकी बात हो, प्रधानमंत्री लगातार उस पर काम करते रहे हैं और आज योग दिवस के मौके पर वो मौजूद हैं, कश्मीर में योग कर रहे हैं। सीधे एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं मनोज्ञा के पास। मनोज्ञा, क्योंकि आप भी लगातार कश्मीर में आती जाती रही हैं, आपने भी कई रिपोर्टिंग की है, कई रिपोर्ट्स वहां से भेजी हैं, ये बताइए कि आज जब प्रधानमंत्री कश्मीर को चुनते हैं योग दिवस के मौके पर, वहां लोगों के बीच, हालांकि उनकी कोशिश में थोड़ा सा खलल जरूर बारिश ने डाला जरूर है, क्या असर आने वाले समय में, भविष्य में आप देख रही हैं इन तस्वीरों का? देखिए, मैं आपको आंकड़े के साथ बताती हूँ। 2019 से 20 के कार्यकाल में कश्मीर में करीब 300 करोड़ का इंडस्ट्रियल सेक्टर में निवेश आया था, जो कि 23 से 24 के बीच में 2400 करोड़ रुपए हो चुका है, 6 गुना बढ़ गया है ये सिर्फ 5 वर्ष से कम के समय में। तो आप कल्पना कीजिए कि अगर सरकार चाहे तो क्या नहीं कर सकती है, और अगर सरकार चाहे तो कुछ भी नहीं कर सकती है। ये एक ऐसी वानगी है कि जब निवेश बढ़ता है तो लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती है, और यहाँ के लोगों को बाहर जाके नौकरी नहीं करनी पड़ती है, यहाँ के लोगों को यही अपॉर्चुनिटी मिलती है, और वो भी आतंकवाद से दीगर एक बेहतर जिंदगी की ओर मिलती है। तो ये एक ऐसा आंकड़ा है जो अपने आप में बता देता है कि कश्मीर की तस्वीर बदली कैसे। अब मैं आपको टूरिज्म के आंकड़े बताती हूँ। टूरिज्म में कुछ नहीं करते करते भी 10 गुना से ज्यादा वृद्धि हो चुकी है पिछले 10 वर्षों में। तो ये आपको बताएगा कि जहां पर लोग आने में डरते थे, ये सोचते थे कि हम जाएंगे पता नहीं कैसी स्थिति होगी, तो वहां अभी रास्ते हैं, वहां एयरपोर्ट्स बढ़ गए हैं, वहां पर ट्रेन की सुविधा बढ़ गई है, और थोड़ी ही दिनों में सबसे ऊंचा विश्व का पुल चिनाब ब्रिज पर यहां पर बनकर रेलवे का पुल तैयार होगा। ये भी एक वानगी है कि कश्मीर में आखिरकार बदला क्या है। अब जम्मू और कश्मीर को आप अलग अलग ना देखें, आप जम्मू कश्मीर भले ही सांस्कृतिक तौर पर बहुत सारे डिफरेंसेस हों, लेकिन जब आप एक राज्य के तौर पर, एक यूनियन टेरिटरी के तौर पर देखते हैं, तो उसके आंकड़े ये बताते हैं कि आखिरकार इन इलाकों में बदला क्या। जरा कल्पना कीजिए, आप, मैं दल झील के सामने हूँ, और दल झील के सामने आपको ये पहाड़ दिख रहे हैं, और जो पूरा राज्य ही सिर्फ और सिर्फ पहाड़ों की खूबसूरती से घिरा हो, तो वहां चुनौतियां भी यही होती हैं कि उस खूबसूरती को बरकरार रखते हुए कैसे उद्योग को बेहतर किया जाए, कैसे विकास को बेहतर किया जाए, और उसके साथ साथ लोगों के जीवन में भी कोई खलल ना पड़े। पर कश्मीर के मौसम का क्या, कश्मीर का मौसम तो कभी भी खलल डाल सकता है, और आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर बारिश ने, जो कि गर्मी से राहत देने के लिए है, जो कि तापमान को करीब इस समय 15 डिग्री से 16 डिग्री सेल्सियस कर चुकी है, जिसकी वजह से मैं ये मानती हूँ कि कई लोगों को अपनी गर्मी में पसीने छूट जाएंगे ये सोचकर कि हम यहाँ पर कश्मीर में 17 डिग्री सेल्सियस में खड़े हुए हैं श्रीनगर में। तो आप कल्पना कीजिए कि मौसम बदला, मौसम बेहतर हुआ, गर्मी कम हुई, तापमान कम हुआ, बारिश भी हुई, लेकिन अगर कुछ हुआ तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में थोड़ा सा खलल डाल गया। पर अभी आपको संग संग तस्वीरें भी देखने को मिल जाएंगी, जहां पर दल झील के किनारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बहुत सारे युवा, हजारों की संख्या में युवा तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि बारिश धीरे हो गई है, रिमझिम रिमझिम बारिश हो रही है, हालांकि मैदान भीग चुका है, जिसकी वजह से चुनौतियां जरूर हैं, पर यही तो योग सिखाता है कि आप चुनौती में भी कैसे शांतिपूर्ण तरीके से उसके ऊपर, उसके परे निकल जाएं, और उस चुनौती को कैसे पछाड़ कर फिर से एक बार जीत हासिल करें। और आज का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इसके साथ ये भी संदेश दे देता है कि जब आप स्वयं और समाज के लिए योग करते हैं, तो सब साथ में मिलकर बारिश होने के बावजूद भी योग में सम्मिलित होते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने मनोज्ञा, योग यही सिखाता है, योग सिखाता है जोड़ना, और वही जुड़ाव पूरे देश नहीं बल्कि दुनिया को कैसे योग जोड़ रहा है ये हम देख रहे हैं लगातार। साल दर साल ये तस्वीरें जो है वो और भव्य होती जा रही हैं, वो और सुखद होती जा रही हैं, क्योंकि योग को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य ये रहा कि लोगों के जीवन तक पहुँचाना, हर एक जन तक पहुँचाना, और यही कोशिश दिखाई भी दे रही है। तस्वीरें एक बार फिर से जरा हम अपने दर्शकों को दिखा दें, क्योंकि बारिश हो रही है बाहर, तो इसीलिए अंदर का कार्यक्रम तय किया गया, और जल्द से जल्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां से संबोधन भी अपना दिया, और साथ ही योग करना भी शुरू कर दिया है। आसिफ का रुख एक बार फिर से करती हूं। आसिफ, मनोज्ञा को आप सुन भी रहे होंगे, मनोज्ञा ने बताया कि ये बदलती हुई तस्वीर कश्मीर की क्या कहती है,
और इस कश्मीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो एक सपना देखा था उसे लगातार आगे बढ़ाने का, और आज का भी ये कदम उसी दिशा में देखा जाएगा, क्योंकि वो अगर कश्मीर को चुनते हैं, वहाँ के युवाओं के बीच पहुँचकर योग करना चाहते हैं, तो जाहिर है कि उनका मैसेज सिर्फ आज के लिए नहीं भविष्य के लिए है। आप इसे कैसे समझाएंगे आसिफ? शीरिन देखिए, जिस कर्तव्य की शुरुआत, जिस काम की शुरुआत 5 अगस्त 2019 को की गई थी, उसको आगे बढ़ाने का समय आ गया है। पिछले 5 सालों से जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, 2018 के बाद से कोई भी चुनी हुई सरकार यहाँ पे नहीं है। पिछले विधानसभा चुनाव जो हुए थे वो 2014 में हुए थे, यानी एक लंबा समय गुजर चुका है जो पीछे का अध्याय था उसमें, और एक नया अध्याय जोड़ने का समय आ गया है। और प्रधानमंत्री के आज के कार्यक्रम को इसके साथ जोड़ने की कोशिश ही नहीं करनी चाहिए, बल्कि ये पूरी के पूरे उसी बात के संकेत हैं कि एक नए अध्याय, नए चैप्टर की शुरुआत है। लोकसभा चुनाव के बाद तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद ये जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री का पहला दौरा है, और जिस तरीके से चाहे भले ही इस कार्यक्रम की जो पहले से तैयारी की गई हो, लेकिन शपथ लेने के बाद कुछ ही दिनों में ये तय हो गया कि योग दिवस का कार्यक्रम कश्मीर में होना है, और इसके साथ ही ये संकेत भी मिलने लगे कि जो राजनीतिक ठहराव जम्मू कश्मीर में आ चुका है लोग स्थानीय चुनावों को लेके या स्थानीय राजनीति को लेके, उस वो बर्फ अब पिघलनी शुरू हो गई है और एक नए राजनीतिक अध्याय को जोड़ने का समय आ गया है। और प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद कल जिस तरीके का संबोधन उन्होंने किया, लोगों को ये भरोसा दिया कि वो अपनी चुनी हुई सरकार आगे लेके आएंगे, वो प्रदेश से फिर से एक स्टेट बनेंगे, वो यूनियन टेरिटरी से एक स्टेट बनेंगे, और जो विकास की धारा चल पड़ी है उसको आगे बढ़ाने का काम स्थानीय प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाएगा, इस बात के भी पूर्ण संकेत मिल गए हैं। यानी जिस काम की शुरुआत आज से 5 साल पहले की गई थी उसको अब दूसरे स्टेज में ले जाने का समय आ गया है, इस बात की जो है इस बात का बुगुल यहाँ पे प्रधानमंत्री ने कल बजा दिया। और यानी यहाँ के राजनीतिक दल है, जो भी स्थानीय राजनीतिक दल है या फिर राष्ट्रीय राजनीतिक दल हो, उनके लिए अब कश्मीर एक नया प्लेग्राउंड बन गया है। यानी आने वाले दिनों में एक बड़ी राजनीतिक हलचल जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगी, जिसमें जिसके जरिए एक चुनी हुई सरकार एक बार फिर जम्मू कश्मीर में आएगी और वो उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएगी जिस की नींव 2019 में रखी गई है। स्थानीय लेवल पे भी देखें तो लोग काफी ज्यादा इस बात के लिए इंतजार कर रहे थे कि 2019 में लिए गए फैसले के बाद जो वादे किए गए थे उनको पूर्ण करने का समय भी आ गया है। काफी लंबा अंतराल हो गया है कि जम्मू कश्मीर में एक चुनी हुई सरकार नहीं है। इससे पहले 1990 और 96 यानी 6 साल तक कोई चुनी हुई सरकार नहीं थी, और इस बार ये जो आंकड़ा है वो बढ़ के 7 और 8 साल हो चुका है। यानी शांति जम्मू कश्मीर में है, बिना किसी कारण के यहाँ पे चुनी हुई सरकार नहीं है, इस बात से भी लोग थक चुके थे और उससे अब जो है छुटकारा मिलता हुआ दिख रहा है, और आने वाले दिनों में एक नई चुनी हुई सरकार जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगी, और जिसके साथ ही एक नए अध्याय को जोड़ने का काम भी यहाँ से शुरू होगा। और इसके लिए क्या बेहतर दिन होगा कि योग दिवस को चुन के खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर में आके ये संदेश दिया, ये संकेत दिए कि जम्मू कश्मीर में जो राजनीतिक ठहराव 2018-2019 के बाद आया था वो अब पिघल रहा है, वो अब हटने वाला है और एक नए अध्याय की शुरुआत जम्मू कश्मीर में होगी, भले ही आज मौसम के कारण ये इस संदेश को वो ज्यादा मुखर तौर पर आगे नहीं बढ़ा अच्छा, पाए। आसिफ, आती हूँ आपके पास। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के योग का जो कार्यक्रम है, योगासन कर रहे थे, वो खत्म हो चुका है, लेकिन अब वो लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, जो आसपास उनके लोग वहां पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ योग करने के लिए, उन तमाम लोगों के साथ बातचीत की ये तस्वीरें जो इस वक्त आपको हम एबीपी न्यूज पर दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये अंदाज, हालांकि हमेशा हमने देखा है कि प्रधानमंत्री जब भी कहीं जाते हैं, किसी भी कार्यक्रम में शामिल होते हैं, जो जनता उन्हें वहां पर सुनने के लिए आती है, जो लोग उन्हें देखने भर के लिए वहां पर पहुंचते हैं, प्रधानमंत्री की कोशिश होती है कि कभी वो किसी को निराश ना करें, उन लोगों से मिलें, उनका अभिवादन स्वीकार करें, उनसे चलते फिरते थोड़ी बहुत बातचीत करें, और वही तस्वीरें हम देखते आ रहे हैं, और आज भी वैसी ही तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये लोगों से मुलाकात से जुड़ी हुई